और मेरे यारे प्यारो, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे भाई। और आज मेरे हाथ में एक नया यंत्र देख रहे हो आप, ये है अपनी एक्टिवा भाई। और कभी कभी अपन एक्टिवा व्लॉग भी कर लेते हैं, हमेशा मोटो व्लॉग होना ही ज़रूरी नहीं है। और कई लोगों ने ना मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछा, और एक दो बंदे ना मेरे को फेसबुक पे भी कमेंट आ रखा था, और यूट्यूब पे भी कल कमेंट आ रखा था कि यार मैं ना एक्टिवा से व्लॉग करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा भाई 100% कर सकते हो भाई। मैं कह रहा हूँ एक्टिवा से ही करो, बाइक से कम चलते हैं साला, एक्टिवा से ज़्यादा चलते हैं। तो भाई फिलहाल एक्टिवा व्लॉग चालू है, और जो भी लोग चाहते हैं कि या सोच रहे हैं ऐसा एक्टिवा से व्लॉग करना, करें ना करें, भाई सोचो मत, कर डालो। मैंने पीछे भी एक्टिवा के व्लॉग डाले थे, आज भी एक्टिवा का व्लॉग डाल रहा हूँ। और मैं आज एक्टिवा का व्लॉग इसलिए डाल रहा हूँ भाई, आज एक तोड़फोड़ वीडियो आ रही है आपके लिए। मैं जा रहा हूँ फिलहाल सदर बाज़ार दिल्ली। कुछ लोगों को पता होगा कि मैं दिल्ली सदर बाज़ार क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि वो रेगुलर व्लॉग देखते हैं, और जो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता देता हूँ भाई, अपना प्लान है होली में वृंदावन जाने का। अब होली पे वृंदावन जाएंगे तो भाई सूखे सूखे तो जाएंगे नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सदर बाज़ार से ना थोड़ा तामझाम ले आऊँ, जैसे कि होली के कलर वगैरह। तो कौन से वाले कलर ला रहा हूँ? वैसे वाला गुलाल नहीं लाना मेरे को लाना टैंक, होली का टैंक, वो जो ऐसे सुर फेंकते हैं ना पूरा, वो तो वो टैंक की शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। बाकी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो गई है, जाने से पहले एक व्लॉग और बना लूँगा मैं, बट फिलहाल मैं टैंक की शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। मस्त एक नंबर, अगर सस्ते मिल जाते हैं तो 4-5 साल आऊँगा, नहीं तो 2 टैंक तो लेकर आने, चाहे कितने भी मिले, सस्ते या महंगे 2 टैंक तो लेकर आऊँगा। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ फिलहाल दिल्ली सदर बाज़ार। और एक्टिवा पे जाने का रीज़न ये था कि अगर मैं KTM पे जाता तो वो टैंक रख के कैसे लाता? 5-5 किलो के तो वो होते हैं, 5 किलो का सिलेंडर होता है, 2-2 किलो उनमें वो होती है गुलाल होती है, 7-7 14 14 किलो के सिलेंडर कहाँ टांग के लाऊँगा? मेरी फ्रेंड पीछे बैठी है, वो KTM पे बैठ के टांग ही ना पाती, तो यहाँ रख लेंगे, इसलिए हम एक्टिवा से जा रहे हैं। और फिर एक्टिवा में मेरी फ्रेंड को थोड़ा कंफर्टेबल भी होता है, तो एक्टिवा सही। और फिर कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा ये अच्छा आइडिया उनको आंसर देने का, थोड़े मोटिवेट हो जाएंगे कि नहीं भाई एक्टिवा से भी कर सकते हैं। तो अपन चालू हैं एक्टिवा से व्लॉग करने के लिए। तो इस टाइम हम निकल रहे गुड़गांव से, कब तक पहुँचते हैं लेट्स सी, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम आ गए हैं इस टाइम पे एम्बियंस मॉल वाले रोड पे, ये देखो बीच में चला रखी है और ऐसे हुर्र करती हुई निकल रही है 80-90 की स्पीड पे। तो एक्टिवा पे ऐसा लगता है जैसे जहाज चला रहे हो, बाइक पे तो खैर पता भी नहीं लगता। अब मुझे नहीं पता इसमें साउंड कैसा आ रहा होगा, अगर अच्छा आ रहा होगा तो बढ़िया है, नहीं आ रहा होगा तो भाई एडजस्ट कर लेना, 10-20 सेकंड की बात है। बट देखो 80 की स्पीड पर एक्टिवा कैसे जा रही है झुन्न करती हुई। तो ये वाले रोड पर तो अलग ही वाइब है भाई खींच के लाने की। जब शाम को आता हूँ ना उस वाले रोड पर नीचे, भाई अपनी KTM 117-118 तक भगा देता हूँ। ऐसे इस पर कितनी ही लंबी ट्रिप मार लो भाई, ऐसे गुर्राते हुए ले जाऊँगा मैं इसको, इतना मज़ा है ना इस एक्टिवा को चलाने में भाई, कसम से भाई। जादूगर भी महिंद्रा की स्कॉर्पियो लेके घूम रहा है, देखो जादूगर देवशीष मंडल एंड मरीन मॉय मंडल। जादूगर भाई साहब सैल्यूट है आपको, आप भाई साहब स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हो, हम एक्टिवा पे घूम रहे हैं, जादू सीखना पड़ेगा लग रहा है। जादूगर साहब सो रहे हैं भाई, फ्रंट सीट पे बैठ के अपना मस्त सो रहा बंदा भाई। काफ़ी दिनों बाद एक्टिवा चलाने, इसकी RPM इतनी खींच दी मैंने कि एक दो बार तो RPM फ्री हो जा रही है इसकी। बाइक वाली आदत हो रखी है हुई हुई करने की, तो इसकी RPM में इतनी खींच दे रहा हूँ कि एक बार तो RPM लुक फ्री हो जा रही है, एकदम फ्री होल्ड हो रही है, तो यार थोड़ा अजीब लग रहा है। बाकी मज़ा बड़ा आ रहा है, लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। अब करोल बाग के लिए बोल रहा हूँ, अपन निकलेंगे सदर बाज़ार के लिए, तो अभी धौलाकुआ पहुँचने वाले हैं, धौलाकुआ से लेफ्ट लेंगे करोल बाग के साइड, फिर वहाँ से निकलेंगे धौलाकुआ के लिए, नहीं यार क्या बोल रहा हूँ मैं, वहाँ से निकलेंगे सदर बाज़ार के लिए। मुझे ये वाला पर्सनली एरिया बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये रोड तो अच्छा है, आप देखना ये आसपास का वेदर देखना, व्यू देखना, एटमोसफेयर देखना कितना प्यारा रहेगा। ये देखो कितना ग्राउंडेड बना रखा ना, ये देखो मस्त, हाय 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 हाय, ओह हो सो मच, शानदार है ना, मस्त एकदम। हो नंदी जी दिखाते तुमको, देखो ये देखो नंदी जी नहा रहे हैं। हो फोकस ऑन नंदी जी। और वैसे आपके लिए एक गुड न्यूज़ है भाई,
जब तक हो सकता है ये व्लॉग डले 1000 हो चुके होंगे, या 1000 होने में सिर्फ 50 सब्सक्राइबर बाकी हैं, तो 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे अभी तुम्हारे भाई के। तो बहुत खुश हूँ यार, एक एक बंदे को, लिटरली एक एक बंदे को थैंक यू यार, आप लोगों ने सब्सक्राइब करके 1000 तक पहुँचा दिया, ज़ीरो से, लिटरली ज़ीरो से 1000 लोगों तक पहुँचा दिया, से दिल से शुक्रिया यार, एकदम अंतर मन से, एकदम अंतर आत्मा से शुक्रिया सबका, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मनाए रखो ऐसे 10,000 भी होंगे और 1,00,000 भी होंगे और फिर फोड़ेंगे मार्केट बढ़िया बड़ी। फाइनली वी रीच्ड एट, ये कौन सा एरिया है, धौलाकुआ, हाँ धौलाकुआ, और अब हम धौलाकुआ से लेफ़्ट लेंगे करोल बाग के साइड, वहाँ से अपन जाएंगे सदर की तरफ। तो ये हमने करोल बाग वाला लेफ़्ट ले लिया, इसे बेसिकली करोल बाग वाला लेफ्ट ही बोलेंगे क्योंकि पहले करोल बाग आएगा, बाद में सदर बाज़ार आएगा। तो गाइज, मैप की माँ की आँख, मैप ने हमें नीचे ला दिया जबकि जाना ऊपर था। मैं कह भी रहा था मेरे फ्रेंड को कि यार ऊपर जाना होता, उसने बोला मैप यही बोल रहा है, फिर आगे जाके बोल रही कि नहीं नहीं ऊपर ही जाना था। मोए मोए। तो यहाँ से अपन को ऊपर चढ़ना, हमने नीचे ले लिया, तो जस्ट 50 मीटर आगे गए थे भाई। इतने टाइम से करोल बाग आ रहा हूँ, ये देखो ये पहली बार देखा है मैंने। आई लव करोल बाग, कितने टाइम से आ रहा हूँ मैं, क्योंकि इस साइड आना नहीं होता, हम तो पीछे से निकल जाते हैं, अपन गुड़गांव से आते हैं ना तो पीछे से रास्ता। भाई दिल्ली सदर बाज़ार पहुँच तो गए, लेकिन कौन से सदर बाज़ार पहुँचे मुझे आइडिया नहीं लग रहा। यहाँ से अभी 100-150 मीटर आगे दिखा रहा कहीं, लेकिन यार ये पता नहीं कैसा सा एरिया है, देखो ज़रा कहाँ है सदर बाज़ार। ये सदर बाज़ार का हाल तो पहुँच के दिखाऊँगा क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो गली मोहल्ला लग रहा। भाई दिल्ली वालों के मजे, हेलमेट भी हाथ में टांग के घूम रहे देख लो, इनके हेलमेट हाथ में टांग के चलना होता होगा शायद। भाई ये एरिया दिल्ली का सदर बाज़ार कम चोर बाज़ार ज़्यादा लग रहा है भाई यहाँ पे। ओ तेरी बहन का, सदर बाज़ार का थाना तो दिख गया भाई साहब, क्या खतरनाक भयंकर एरिया भाई। कोई यहाँ से मुझे देख रहा हो ना भाइयों, ये मत सोचना कि मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ बुरा सुरा, मैं तो बस एक भाई बारी वो बता रहा हूँ यार। तो भाई दिल्ली के सदर बाज़ार के लिए अब हम निकले हैं यहाँ से सही जगह पे। ये है दिल्ली के सदर बाज़ार वाला रोड, बाप रे अब होएगी भीड़ कसूती चालू भाई। भाई फाइनली सदर बाज़ार दिल्ली पहुंच गए हैं, और भाई हाल इतना बुरा हो रखा है ना यहाँ, फंस गए लगा लो, चारों तरफ एकदम भयंकर वाले, जगह ही नहीं है, 5 मिनट हो गए खड़े खड़े। अब सोच रहे से कहीं पार्किंग में लगाएं, पैदल जाएं कि एक्टिवा लेके निकले, क्योंकि ज़्यादा बसड़ करने नहीं, हम तो सिर्फ कलर का सीन है, होली के कलर के टैंक लेने, जहाँ दिख गए वहीं रोक के वहीं से लेके निकल जाएंगे हम, तो वो सोच रहा हूँ मैं, बाकी पता नहीं यार। देखो कितनी दूर है भैया इस रोड पे पार्किंग, पार्किंग है प्रॉपर, तो पार्किंग में लगा देते हैं भाई एक बार, भीड़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। भाई फिलहाल पहुँच गए सदर बाज़ार दिल्ली, और जा रहे हैं यहाँ पे कलर ढूंढने के लिए, देखो क्या प्लान बनता है, तो झमाझम भीड़ हो रखी है बहुत तगड़े वाली। तो भाई ये जितनी भीड़ दिखाई दे रही है ना, ये बहुत कम है अभी तो, मतलब ये सिर्फ 20% भीड़ है होली की, होली की नहीं मतलब सदर बाज़ार की। और अभी जिस दुकान पे मैंने पता किया है होली के कलर वाले सिलेंडर, भाई वो पड़ रहा है मेरे को 800 रुपये का 2 किलो वाला पड़ रहा है, जो कि बहुत महंगा है यार, नॉर्मली इतना महंगा वो होता नहीं है, देखता कहीं और सस्ता मिलेगा तो, नहीं तो 2 तो लेके जाने ही है वैसे, बाकी देख रहा हूँ अगर इससे सस्ता मिल जाए तो। मैं सोच रहा हूँ कि 400 रुपये का एक सिलेंडर भी मिल जाएगा ना, तो 4 सिलेंडर ले लेंगे आराम से 1600 रुपये के, बाकी तो डिपेंड करता है भाई कि कैसा होता है और कैसा नहीं। भाई एक शॉप पे गया, मैंने पूछा ये सिलेंडर कितने का है, कह रहा 4 किलो वाला, नहीं 2 किलो वाला ही बताया पहले उसने, 1000 रुपये का 4 किलो वाला बता रहा, 1600-1700 रुपये का। तो मैंने कहा भाई इससे सस्ते तो हमको गुड़गांव में मिल जाते हैं, कह रहा भाई ये मुर्गे का है। मैंने कहा मुर्गा कछुआ तो पता नहीं भाई, देख मेरे को गुलाल से मतलब है, गुलाल होना चाहिए अंदर, कह रहा हाँ हाँ मुर्गे वाला बढ़िया होता, हल्दीराम का समोसा खाओगे 30 का पड़ेगा, नॉर्मल दुकान में खाओगे 10 रुपये का पड़ेगा। मैंने कहा भाई तेरी बात भी ठीक है, अब तो गुलाल में भी क्वालिटी ढूंढ रहा था भाई, मैं क्या बताऊँ। मुर्गा बता रहा मैं, तू कछुए वाला दे दे भाई, तू सस्ते वाला बता। भाई ये सिलेंडर कितने का है? तो भाई कॉस्टली मिल रहे थे सारे, सस्ते कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे, सो हमने भी 2 पीस उठा लिए हैं। तो चलो भाई 2 पीस ले लिए हमने, क्योंकि 800 रुपये का 1 पीस पड़ रहा था, सो हमको ज़्यादा पैसे खर्च करना
सफिशियंट लगा नहीं, इसीलिए सिर्फ दो पीस लेके हम लोग वापस निकल रहे हैं। बाकी एक आध किलो दो किलो गुलाल ले लेंगे और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो भाई भारी ज़्यादा हो गया है और अब ले के निकल रहे हैं इसको यहाँ से। वैसे तो एक्टिवा है हमारे पास, वहाँ रख लेंगे फ्रंट में। आवाज़ आ रही होगी या नहीं पता नहीं, मैं सोच रहा था और ले लेता लेकिन वजन ज़्यादा है इसलिए नहीं लेके जा रहे। भाई सब कुछ ठीक था बट वही है ना, थोड़ा पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे। अब देखो हमारी एक्टिव यहाँ कहीं लगी हुई है, हालत ही ख़राब हो गई भाई चल चल के। तो हम लोग जल्दी निकल गए यार, ओनली दो ये सिलेंडर लेके गुलाल के निकल गए, बाकी सब वहीं जाके देखेंगे यार आराम से। थक भी तो बहुत ज़्यादा गए यार। तो भाई इस भीड़ भाड़ वाले एरिया से निकलते हुए अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं और हो सकता है मुझे ये व्लॉग यहीं ख़त्म करना पड़े क्योंकि एक दो व्लॉग और शूट करने हैं, उसके लिए बैटरी बचा के रखनी, क्योंकि मेरा पर्पज़ नहीं था ज़्यादा व्लॉग शूट करना, सो दैट मैं बैटरी लेकर नहीं आया था। तो भाई क्या लेकर आया हूँ ये तो मैं घर जा के दिखाई दूँगा अच्छे से। बाकी फ़िलहाल मैं यहाँ से निकलने के लिए व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो ये चल रही है भाई फ़िलहाल अपनी होली की तैयारी, वृंदावन जाने के लिए बहुत सारी शॉपिंग कर ली भाई, बहुत बहुत बहुत। एक पर्टिकुलर व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैंने क्या क्या लॉन्ग ट्रिप के लॉन्ग ट्रिप के लिए लिया है ये सब, मैं एक पर्टिकुलर व्लॉग बनाऊंगा उसमें आप देख लेना। वेल होप करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, आप लाइक करें तो मैं और वीडियोज़ बनाता हूँ, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।